Good morning, friends. Welcome back to our channel. Sudden, he planned. We came here. Family trip के लिए छोटा सा टाइम बिताने के लिए हमेशा बोलती है मेरे को टाइम नहीं देते। तो आज हम लोग थोड़ा सा टाइम निकालना है. हम लोग आए हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए. बेसिकली वी केम एट द पाइकर्स कैफे और आगे आपको डोला बताएगी. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड. जैसे कि आपको अविनाश जी ने सब बता दिया, विजी ने, तो हम लोग जैसे यहाँ पे आए हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि ये है एज ही सेड द बाइकर कैफे. और हम लोग छोटा ही स्मॉल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खाएंगे, फिर उसके बाद निकलते. ये सडन प्लान था जो कि मुझे भी नहीं मालूम था. हम लोग जस्ट आए थे बाइक राइडिंग के लिए. तो चलिए चलते हैं. कहो कैसा है? अच्छा है. अचानक से यहाँ पे आए, पता है आपको? मालूम है ना? और इसको सब चीज याद रहता है. ये देखिए, ये यहाँ का है बाइकर कैफे, जो कि इस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया. ये देखिए, हम लोग ऑर्डर किए हैं. ये क्या क्या आप बताएंगे? ये बोलेंगे आपको क्या क्या. ये मशरूम, ऑमलेट, चिकन सॉसेज, रेड बटर, ये वाला टोमेटो, दिस वन इज पैटिस. ओके, वेट नहीं किया जा रहा है, तो ये भी वेट कर रहा है और ये भी वेट कर रहा है. खाते हैं. नीचे आ जाओ. हो गया फोटो. चल पर बाद में. कम यार, हम लोग का हो गया ब्रेकफास्ट के यहाँ पे. बस हम लोग निकल रहे. आदि आ जाओ, से बाय बाय. हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट. पूरा सडन प्लान किए ये और लेकर के ये यहाँ पे आए. मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं था, जो कि मैं स्टार्टिंग मैम हम लोग जस्ट निकले थे घूमने के लिए और यहाँ पे आकर के मुझे पता चला फिर ऊपर जाकर के. और द बाइकर कैफ़े, ये बहुत पहले मैं जानती थी बिफोर मैरिज ऑल्सो. मैं यहाँ पे आई हुई भी हूँ और वही फिर उसके बाद ये ले करके मुझे आए फिर से यहाँ पे. तो पुराना मेमोरीज फिर से रिमाइंड हो गया और ये अभी भी फ़ोटो ले रहा है. हेलो. बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हो चुका है. मुझे कुछ सामान लेना था, वो भी ले चुकी हूँ. तो घर चलते हैं. अब डायरेक्ट घर ही चल रहे हैं ना? घर चल रहे हैं. चलो बैठो आदि, आ जाओ, फिर मिलते हैं आपसे घर पे. ये देख के आपको क्या लग रहा है? घर आ चुके हैं बिल्कुल. और गए हम लोग बहुत जगह, गए एक दो जगह पे. थोड़ा एक्चुअली मेरा दो तीन चप्पल टूट गया था और नया ही था, मेरे शादी का है वो, तो उसे देकर के आए ठीक करने के लिए. फिर उसके बाद वहाँ से अविनाश लेके गए थे बाइकर कैफे, वहाँ पे खाए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किए. फिर उसके बाद हम लोग गए इसके जो होम ट्यूशन सॉरी घर की जो टीचर्स है उससे थोड़ा बात करने गए, क्योंकि इसका स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जा रहा है. तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि हाँ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. तो लास्ट में वी डिसाइडेड कि हाँ चलो थोड़ा सा अभी वो कंटिन्यू रहेगा तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो वो हो गया उसका सारा, वो जो एक टेंशन था कि करे कि नहीं करे, तो वो हो गया सबके ओपिनियन से. तो वो कंटिन्यू रहेगा. और जैसे कि आज संडे हैं और आदि का रात में फीवर आ गया था, काफ़ी ज़्यादा फीवर आ गया, तो उसको फिर दवाई दिए हैं. तो अभी बेटर है वो, बट उसका कफ थोड़ा है, खांसी हो रहा है और स्नीज हो रहा है, तो उसके लिए भी दवाई दे चुके हैं. और आज संडे तो उसको खेलने देते हैं.
नहीं तो ऐसे वो बोलने लग गया है कि मामा दिन भर पढ़ते ही रहे क्या, लाइक ऐसे वाला। और ठीक है, अभी जस्ट अविनाश आएंगे और ज्वाइन करेंगे हम दोनों को। और ये फैमिली डिनर हो रहा है और इनका बना है स्पेशल चिकन। तो सबको इनका खाना निकल गया। इनका तो मुँह का ही बना हुआ है मम्मी आपका? नहीं, इतना तो अच्छा खाना दिए हैं आप। तो ठीक है, खाते हैं, फिर खाने के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, जैसा कि सुबह तो देखे हम लोगों का लंच बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और अभी जी का फेवरेट फूड था। और आज अभी जी क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज संडे और वो घर पे है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताया जा रहा है। और अभी उनका तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा फेस क्लीन अप मैं करूँगी, जो कि सारा वहाँ सामान रखा हुआ है और ये भी रेडी है, लेट चुके हैं और हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा तो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, लाइक पहले क्लीन अप हुआ, फिर स्क्रब हुआ, फिर मसाज हुआ, अब पैक हुआ। तो देखिए बोलिए। आप खोल सकते हैं? नहीं, जल रहा है, जल रहा है, थोड़ा सा जल रहा है। तो देखिए इसके बाद एकदम खिला खिला चेहरा लगेगा इनका, फिर आपसे दिखाएंगे आप लोगों को। बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं अभी जी। कितना सुंदर ड्राइंग बनाया। एक्चुअली ये ड्राइंग एज इट इज सेम है, हम लोगों के एनिवर्सरी पे डेकोरेशन हुआ। यहाँ पे खड़ा हो गए, लेकिन हमको दिखाई नहीं आया। तो कौन किया? तो कौन? नो, हाँ इसको डैडा हेल्प किए इसके ड्राइंग बनाने में। स्टिल अभी भी ये ऐसे हैं। जाइए अब धो लीजिए, ड्राई हो चुका है। अब देखिए सैलून नहीं है यहाँ पे, आप धो लीजिए जाके। जाके आइए। देखिए इनका डेंटिंग पेंटिंग हो गया चेहरा का, ग्लोइंग ग्लोइंग ग्लोइंग, बहुत क्लास हो गया। जो था हाल एकदम। अब बोले कि निकालिए 2500 रुपये, बाहर में करवाने से ऐसे लेता है भाई। कंपनी का हुआ है भाई, अभी थोड़ी ना। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए क्लीन लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कमेंट में जाके बताइएगा कि कैसा हम किए इनका मसाज। और टाइम लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन अभी लग रहा है वॉटफुल है। तो यहाँ पे ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है, एंड करते हैं। और अगर हम लोगों का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा है और बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को, हाँ बेल आइकन क्लिक करिए। और सबसे अच्छी बात, संडे आप लोग का भी काश बहुत अच्छा बीता होगा। थैंक यू, आप लोग का भी अच्छा बीते, बिल्कुल। और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हम लोग, नए एपिसोड, नया मॉर्निंग, नया दिन। चलिए, बाय, गुड नाइट।